अंडर ब्रिज के निर्माण हुए कितने साल हो चुके हैं? अंडर ब्रिज के निर्माण हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। इससे निकलने से और किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? अंडर ब्रिज से एक तो लोगों को चोटें लगती हैं, गाड़ी काफ़ी स्पीड में निकलती है। दूसरी सबसे बड़ी घटनाएं होती है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का घटनाएं कई बार घट चुकी हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं क्योंकि वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। आप पुल से नहीं निकलती हैं तो फिर कहाँ से निकलती हैं? ये ना लेन ऊपर से निकलते हैं, पुल के ऊपर से। में भी तो खतरा है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। खतरा तो है लेकिन है ना वहाँ पे लूटपाट की संभावना तो नहीं होती, जैसे कि वहाँ पे सात चारों तरफ आदमी दिखाई देते हैं और लूटपाट की मतलब संभावना से बच जाते हैं। रेलवे लाइन पर होने वाली दुर्घटनाओं से मुरैना शहर वासियों को बचाने के लिए आज से 10 साल पहले एक अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिससे जितने भी पैदल यात्री रेलवे लाइन से गुजरते हैं वह पैदल यात्री अंडर ब्रिज के अंदर से गुजर सकें। परंतु 10 साल बीत जाने के बाद भी आज भी सभी यात्री रेलवे ट्रैक से ही गुजर रहे हैं, जिसकी वजह अंडर ब्रिज के अंदर से वाहन निकल रहे हैं। साथ ही अंडर ब्रिज के अंदर ना तो रोशनी के लिए लाइट की व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा का ही कोई इंतजाम किया गया है। इन कारणों से लोगों ने फिर से रेलवे लाइन से आना जाना शुरू कर दिया है और अंडर ब्रिज के अंदर से गुजरना बंद कर दिया है, जिसके कारण कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रही है? इन घटनाओं के लिए प्रशासन तो बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, कोई कदम नहीं उठा रहा है, नहीं तो इतने हादसे जो हो रहे हैं वो नहीं होते। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि मुरैना के नगर निगम आयुक्त DS परिहार 7799948779 नंबर पर कॉल करें, जिससे दबाव बने और मुरैना शहरवासियों की समस्या का निराकरण हो सके। मैं ज्योति, मुरैना मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।